हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ सिरिंज एंड यूज ऑफ सिरिंज के बारे में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ सिरिंज के बारे में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं टाइप ऑफ सिरिंज एंड यूज ऑफ सिरिंज के बारे में। सिरिंज के क्या क्या प्रकार हैं और उसका क्या यूज है। नंबर वन, 1 ml इंसुलिन सिरिंज। इट इज यूज टू इंजेक्ट इंसुलिन इनटू द पेशेंट्स बॉडी। 1 ml इंसुलिन सिरिंज का उपयोग हम पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए करते हैं। 2 ml सिरिंज, 3 ml सिरिंज, 5 ml सिरिंज एंड 10 ml सिरिंज। इट इज यूज टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स एंड इंजेक्ट ड्रग इनटू द बॉडी। 2 ml सिरिंज, 3 ml सिरिंज, 5 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज का उपयोग हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने में और बॉडी में ड्रग को इंजेक्ट करने में करते हैं। 20 ml सिरिंज एंड 30 ml सिरिंज। 20 ml एंड 30 ml सिरिंज आर यूज्ड फॉर सिरिंज पंप एंड ब्लैडर इरिगेशन। 20 ml सिरिंज और 30 ml सिरिंज का उपयोग हम ब्लैडर इरिगेशन और सिरिंज पंप के रूप में करते हैं। 50 ml सिरिंज यूज्ड फॉर फीडिंग। 50 ml सिरिंज का उपयोग हम फीडिंग के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को खाना खिलाना हो, उसके लिए हम राइस ट्यूब द्वारा भोजन देना हो, उसके लिए हम 50 ml सिरिंज का उपयोग करते हैं ताकि पेशेंट अच्छा से फीडिंग कर सके। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।